हेलो गाइस, तो डाइटिशियन आज आपके लिए करा रहा है आप सबकी फेवरेट पापड़ी चाट की रेसिपी। गाइस, पापड़ी हम आपको एकदम हेल्दी तरीके से बनाकर दिखाएंगे, वो भी बिना तले हुए, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं एयर फ्रायर में और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती हैं एयर फ्रायर में गाइस। तो अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप इनको ज़रूर बनाइए एयर फ्रायर में और घर पर ही अपनी फेवरेट डिलीशियस पापड़ी चाट का मज़ा लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, पापड़ी चाट। चलिए सबसे पहले तैयार करते हैं डो पापड़ी के लिए। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट मैं ले रही हूँ आप वो लीजिए, बहुत ही बढ़िया पापड़ी बनती है। एक कप मैंने लिया है यहाँ पर गेहूं का आटा, आधा कप मैंने लिया है बेसन और 1/4 कप मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सूजी। तो अगर आप इस मेजरमेंट से पापड़ी बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया पापड़ी बनेगी आपकी। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, मैंने 1 चम्मच डाला है, और थोड़ा सा डाला है मैंने यहाँ पर पुदीना पिसा हुआ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, और थोड़े से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चिल्ली फ्लेक्स। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मेल्टेड किया हुआ घी। घी हमें अच्छे से डालना है तो उससे बहुत क्रिस्पी बनती है। अब आप इनको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद इसे हमें चेक करना है। तो अच्छी पापड़ी बनाने के लिए ये टिप फॉलो कीजिए। देखिए इस तरह से आप बाइंड करके देखिए, अगर प्रॉपर बाइंड हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो हमें थोड़ा सा घी इसमें मिक्स करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो घी इसमें मिक्स करने के बाद मैं इसको हाथों से फिर से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद इसको हम फिर से बाइंड करके देखेंगे। तो जब तक ये अच्छे से बाइंड ना हो जाए तब तक आप इसमें घी ऐड करते जाइए, अदरवाइज़ आपकी पापड़ी परफेक्ट बन के तैयार नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं ये परफेक्टली बाइंड हो रही है, कुछ भी टूट नहीं रही है। तो इसका मतलब है घी अब इसमें अच्छे से डाल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका एक डो की तरह हम बनाकर रेडी करेंगे। तो जैसे कि आप नॉर्मल रोटी की तरह बनाते हैं आटा, वैसे ही बनाना है, लेकिन थोड़ा सा इसको हार्ड रखना है, एकदम सॉफ्ट आटा हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी आप इसमें डालते जाइए और इसे डो की फॉर्म में बनाकर रख लीजिए। लास्ट में हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे ऑयल, और इसको अच्छे से ग्रीस करके कुछ टाइम के लिए इसे हमें रख देना है आटे को। तो डो देखिए बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको कुछ टाइम के लिए, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रख देती हूँ, और आप देख सकते हैं एकदम ना तो सॉफ्ट है ना बहुत ही हार्ड है। तो इस तरह का आटा हमें तैयार करना है। तो 15 मिनट के बाद इसको हम निकालेंगे और एक बार फिर से हम हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब कि 2 से 3 मिनट आप इसको हाथों से मैश कर लीजिए। तो आटा जो है बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। तो आटा रेडी हो चुका है, अब हमें इसको डिवाइड करना है इक्वल पोर्शन में। तो 4 से 5 आपको इक्वली इनको डिवाइड कर लेना है, और इस तरह से इनको पेड़ी की तरह बनाकर रख लेंगे। तो चाहे तो आप इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर या छोटी छोटी पापड़ी की तरह बेल सकते हैं, लेकिन मैं इसको अलग तरह से बेल रही हूँ। इससे क्या होगा कि हमारी पापड़ी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी और एक सी साइज़ में भी बनकर तैयार होंगी। तो रोटी की तरह इसको आप बेल लीजिए। तो थिकनेस बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है और बहुत मोटी भी नहीं रखनी है। तो देखिए पूरा ये बेल चुका है। अब फोक के द्वारा इसमें हम छेद कर लेंगे, इससे क्या होगा पापड़ी जो है फूलेगी नहीं। तो ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दूसरी साइड से आप पलट लीजिए, और दूसरी साइड से भी इसको फिर से फोक से छेद कर लीजिए। तो दोनों साइड से छेद करने के बाद अब हम लेंगे एक गोल, मैंने लिड लिया है, या फिर आपके पास कोई कटोरी हो छोटी तो इस तरह की आप ले सकते हैं, और इस तरह से इसको आपको बनाकर रेडी कर लेना है। तो ये प्रोसेस बहुत इजी होता है और इक्वल बन के तैयार होती है हमारी जो पापड़ी हैं, साइज़ में छोटी बड़ी नहीं बनती हैं। तो मैं ये प्रोसेस फॉलो करती हूँ हमेशा। अब एक्स्ट्रा जो आटा है हम इस तरह से इसका निकाल लेंगे, और ये वाला आटा फिर से हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हमें फेंकना नहीं है। तो देखिए इस तरह से जो है हम सारे आटे की पापड़ियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए सारी जो पापड़ी हैं हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसको बना रही हूँ एयर फ्रायर में, लेकिन गाइस अगर आप एयर फ्रायर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं नॉर्मल तेल में डालकर। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एयर फ्रायर, इसको मैंने कोई प्री हीट नहीं किया है। अब मैं इसमें रख दूँगी पापड़ी। तो एक बार में काफ़ी सारी पापड़ी इसमें बनकर तैयार हो जाती हैं, 15 से 20 पापड़ी आप इसमें आराम से डाल सकते हैं। अब इसको बंद कर देंगे और इसका जो है टाइम सेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 8 मिनट के लिए 160 डिग्री टेम्परेचर पर इसको सेट किया है, और
8 मिनट बाद इसको हम खोलकर देखेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी हद तक सिक चुकी हैं, लेकिन थोड़ा सा कलर मुझे कम ब्राउन लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा ब्राउनिश और थोड़ी सी और क्रिस्पी बनाने के लिए हम 2 से 3 मिनट इसको और फिर से रखेंगे। तो इस तरह से एयर फ्रायर में आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वापस इसको फिर से बंद करूँगी और 2 मिनट के लिए 195 टेम्परेचर पर, तो मैंने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया जिससे कि अच्छे से कलर में ब्राउन आ जाए, तो सेट किया है और 2 मिनट के बाद इसको मैं फिर से खोल कर देखूँगी। तो अब देखिए हमारी जो पापड़ी है परफेक्टली बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिना गाइस तले हुए हमने पापड़ी दार एक हेल्दी तरीके से बनाकर तैयार की है। आप देख सकते हैं, देखिए परफेक्टली सिक कर तैयार हुई है एयर फ्रायर में। अगर आपके पास एयर फ्रायर है गाइस तो आप एयर फ्रायर में ज़रूर बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनती हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे एयर फ्रायर से और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। गरम-गरम आप बॉक्स में भरकर मत रखिए। तो निकालने के बाद इनको ठंडा होने के बाद ही बॉक्स में रखकर रखिए। तो देखिए पापड़ी चाट जो हमारी तैयार हो चुकी है पापड़ी, और अब मैं आपको थोड़ा सा तोड़कर भी दिखाऊंगी कि देखिए कितना क्रिस्पी बनी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया एयर फ्रायर में बनकर तैयार होती है। तो चलिए अब बना लेते हैं पापड़ी चाट। तो सबसे पहले हम लेंगे एक प्लेट जिसमें कि हमें सर्व करनी है पापड़ी चाट को। तो पापड़ी यहाँ पर रख देंगे सबसे पहले, अच्छे से आप रख दीजिए पापड़ी को। तो देखिए काफ़ी सारी पापड़ी मैंने एक बार में रख दी है, थोड़ी सी पापड़ी को हम तोड़कर डालेंगे तो बढ़िया रहती है चाट में। अब हम इसके ऊपर डालेंगे कर्ड। तो कर्ड को मैंने अच्छे से फेट कर और थोड़ा सा इसमें मैंने चीनी भी डाल ली थी, अच्छे से मथ लिया था, तो एकदम सॉफ्ट और क्रीमी होनी चाहिए आपकी कर्ड, बहुत ही बढ़िया रखती है चाट में। तो अच्छे से पापड़ी चाट पर कर्ड को स्प्रेड कर लीजिए, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें स्वीट चटनी, ये इमली की चटनी है। इसकी रेसिपी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, इसको भी आप अच्छे से डाल लीजिए, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है चाट में इसका। तो देखिए इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो उससे पहले थोड़ी सी मैं यहाँ पर ग्रीन चटनी और डाल रही हूँ, तो अगर आपके पास ग्रीन चटनी है तो डाल लीजिए, ग्रीन चटनी का भी टेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। तो खट्टी मीठी चाट जो है हमारी बनकर रेडी हो जाती है। तो अब डालेंगे यहाँ पर सॉल्ट, तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर लीजिए। सॉल्ट के बाद इसमें हम ऐड करेंगे मिर्च पाउडर इसको चटपटा बनाने के लिए, तो ये भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे इसमें जीरा पाउडर जो कि इसको एक अच्छा टेस्ट देता है चाट को। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बाजार की जो सेव होती है इसके ऊपर, तो इससे क्या होता है देखने में बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसका। और थोड़े से डाल लेते हैं अनार के दाने। तो देखिए गाइस हमारी जो चाट है ऑलमोस्ट रेडी।